आज मैं क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है द राइज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहले टॉपिक हम बैटल ऑफ प्लासी के बारे में जाने। द बैटल ऑफ प्लासी द क्लैश बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला बिगन व्हेन द नवाब फ्यूरियस एट द ब्रिटिश फॉर देयर ग्रॉस मिसयूज ऑफ पावर। जैसे कि आप समझते हैं कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश जो जनरल था उस दोनों के बीच जो है सो संघर्ष छिड़ा। और छिड़ने का कारण क्या था कि ब्रिटिश जो है को जो पावर मिला था, शक्तियां मिली थी, उसका उन्होंने थोक के भाव में दुरुपयोग करना शुरू कर दिया था। अटैक द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार कैप्चर द कंपनी ऑफिसर एंड ब्लॉक द इंग्लिश शिप। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पे हमला कर दिया और उसके शिप वगैरह पे जो है उसके सरकारी जो दफ्तर सब जो थे उस पे अपना अधिकार जमा लिया, अपने कब्जे में कर लिया। देन द नवाब मार्च टू कलकत्ता एंड कैप्चर द कंपनीज फोर्ट विलियम। और नवाब ने जो है कलकत्ता में जो उसका किला था उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ कलकत्ता कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंट फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। सिराजुद्दौला से निपटने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया। उसने मद्रास से जो है सेना की एक फौज लेकर के आया। देयर वाज ए नो ऑप्शन बट ए मेजर वॉर द फर्स्ट ओपन वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल। इस तरीके से नवाब के साथ जो है ब्रिटिश की एक खुला संघर्ष छिड़ा। टुक प्लेस एट प्लासी इन 1757। ये लड़ाई छिड़ी प्लासी के मैदान में 1757 में। इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द डिफीट वॉज द ट्रेचरी विद इन नवाब आर्मी। मीर जाफर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कमांडर हैड सेक्रेटली ज्वाइंट हैंड विद द ब्रिटिश एज दे हैड प्रोमिस्ड टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार के पीछे मीर जाफर का हाथ था। मीर जाफर सेनापति था सिराजुद्दौला का, लेकिन उसने जो है छुप कर करके साथ दिया जो है ब्रिटिश का। ब्रिटिश ने उसे वायदा किया कि अगर वो उसका साथ देता है तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। इस तरीके से उसकी हार हुई और इनाम के तौर पे मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री एंड ऑफ इमेंस हिस्ट्री इम्पोर्टेंस एज इट पेव्ड द वे फॉर द ब्रिटिश डोमिनेंस ओवर बंगाल एंड इवेंचुअली द होल ऑफ इंडिया। इससे साबित हो गया कि भारत में के शासक बहुत खोखले हैं, यहाँ पे बंगाल में या भारत में शासन करने योग्य ब्रिटिश ही हैं। इस 1757 जो है भारत की जो है पोल खोल के रख दिया कि भारतीय शासक शासन करने योग्य अब नहीं रहे। ओके।